हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को फिर से स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। तो आज मैं आया हुआ हूँ बिरसा मुंडा जेल पार्क। तो ये जेल पार्क के नाम से भी बहुत फेमस है। तो ये रांची में ही है। तो आप लोग आइए और यहाँ पे घूमिए। एक फैमिली पार्क बहुत अच्छा माना जाता है। तो चलिए आपको अब आगे पार्क की ओर ले चलते हैं। तो हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आए हुए हैं हम जेल पार्क। तो ये इसका मैं किताबी भाषा कुछ बताना चाहता हूँ दोस्तों। ये आते हैं तो थोड़ा बहुत ज़्यादा धूप भी लग रहा था, काला हो गया ऑलरेडी। तो किताबी भाषा में बोला जाता है ये पहले जेल था, जेल को अपग्रेड करके इसको पार्क बनाया गया है। और आना चाहते हैं तो आप इसमें आ सकते हैं, फ्री कॉस्ट है, कोई टिकट चार्ज नहीं लेता है। बट अभी मैं आया हूँ तो कोरोना की वजह से मास्क वगैरह भी लगाने का ऑप्शन है, तो आप मास्क अपना घर से लेकर आइएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो गाइस अभी घूमना स्टार्ट किए हैं। यहाँ पे एक मेन प्रॉब्लम हमको लगा, घास में आप यहाँ पे घूम नहीं सकते, पता नहीं क्यों। पाबंदी मिलेगा, हद से ज़्यादा पाबंदी मिलेगा, हद से ज़्यादा पाबंदी मिलेगा। रीज़न ये है कि यहाँ पे फैमिली पार्क है और दूसरा कि फ्री कॉस्ट होने के कारण भी ऐसा हो सकता है। बहुत डिसिप्लिन में ये पार्क में आप लोगों को घूमना होगा। आप लोग को आना है ये पार्क, तो बस ये न्यूक्लियस पार्क के ही बगल में है, सॉरी न्यूक्लियस मॉल के ही बगल में है ये पार्क। तो गाइस अभी जैसा कि देख सकते हैं अभी अंदर में है, यहाँ बच्चे लोग के खेलने के लिए झूला है। आप लोग को सामने से व्यू दिखाते हैं, ज़्यादा झूला नहीं है बट जितना भी है बहुत है। इससे ज़्यादा हम लोग को लगता है पतरातू वाला में होगा। पतरातू वाला ब्लॉग आप लोग देखे होंगे तो उसमें देखेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा झूला है बच्चे लोग के लिए और बहुत सारा आइटम है वो मज़े करने के लिए, सब बहुत कम है पर जितना भी है चलिए आप लोग को दिखाते हैं सामने से। तो गाइस यही है गेम जोन और झूला बच्चे लोग के लिए। और यहाँ बगल में आप देख सकते हैं जो ब्लैक ब्लैक आप लोग को दिख रहा है वही एनपीएस मॉल, इसी के जस्ट अपोजिट में ही है ये बिरसा मुंडा पार्क। और ये पार्क से नाम से भी जाना जाता है तो बहुत अच्छा है। आप लोग आइए, इंटरटेनमेंट कीजिए, घूमिए। और इधर से हम लोग कहाँ जाएंगे पता नहीं, जहाँ भी जाएंगे देखते हैं। देखिए ये लाल साग है, ये हरा साग है। गाइस ये जो आप दीवार देख रहे हैं, मतलब बस जस्ट दीवार, जेल के पीछे का दीवार है ये, बस मतलब फ्रंट आने वाले हैं जेल। तो आप लोग को सामने से व्यू दिखाएंगे जेल। तो एक वाइट वाइट आप दिखता होगा आप लोग को यहाँ पे, वो मंदिर है, बस उस मंदिर का आप लोग को सामने से भी व्यू दिखाएंगे। और यहाँ एक बोर्ड भी लगा हुआ, गंदगी ना फैलाएं तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ खाने पीने का आइटम भी अलाउ नहीं है, पानी बोतल ला सकते हैं वो काफ़ी है। और ये फैमिली पार्क है, अच्छा पार्क है फैमिली लोग के लिए, आ सकते हैं आप लोग फैमिली के साथ। तो गाइस ये मंदिर के पास आ गए हैं, सामने बरगद का पेड़ है और शिव जी भी है शायद इसके अंदर, इस मंदिर के अंदर। और इसके अंदर और कौन कौन सा भगवान है सामने से देखते हैं। तो यहाँ बजरंगबली और शायद दुर्गा माँ है और किन्हीं का एक फ़ोटो है किन्हीं भगवान का। तो अंदर अभी जाना अलाउ नहीं है और जाना भी नहीं चाहते कि हर चीज़ पे, हर सिक्योरिटी पे प्रॉब्लम होता है, सिटी का सिटी मार देता है प्रॉब्लम होता है। जो देख रहे हैं आप वही है बिरसा मुंडा का बड़ा बिरसा मुंडा। तो चलिए अंदर चलते हैं जेल के अंदर, जेल के अंदर क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जेल के अंदर, जैसे ही जेल के अंदर हम लोग इन करते हैं सबसे पहले आप लोग को जेल वाला पुलिस वाला निशान मिल जाएगा। तो ये दिलाता है कि हाँ चलिए ये बिल्कुल जेल है। तो ये हुआ और ये जेल टाइप का बना हुआ, आप लोग तो मूवी वगैरह में देखते होंगे, अभी तक हम जेल नहीं गए हैं तो अभी भी देखते हैं। ये ऐतिहासिक जो पुराना लेवल का था जेल का इतिहास, हिस्ट्री, वो हिस्ट्री देख सकते हैं। हम लोग और अंदर चलते हैं। तो इधर साइकिल उकिल रखा है, बिरसा मुंडा जी का नहीं है लेकिन कोई अभी काम करने वाला आदमी का होगा, दिमाग मत लगाइएगा अपने एक्स्ट्रा। वो जो दिख रही है वहाँ हम लोग सामने से भी नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से ऐतिहासिक झोपड़ी और जगह तरह तरह की चीज़ बने हुए थे। जैसा कि देख सकते हैं एक आदमी थे वहाँ पे जो लोहा का काम कर रहे थे। तो यह ऐतिहासिक चीज़ दर्शाने के लिए थे कि उस समय जब बिरसा मुंडा जेल पार्क आए थे तो इस तरह का सुविधा वहाँ पे मौजूद था जेल जेल के अंदर में। तो यह सब चीज़ सुविधा होता होगा क्योंकि कहा जाता है कि जेल में अपने ही काम करना, अपने ही खाना, क्योंकि आप लोग ने कहावत तो सुना होगा जेल खटना। तो यही होगा दोस्तों, कुछ कुछ काम करवाया जाता होगा जेल के अंदर। तो जैसा कि अब हम लोग धीरे धीरे जेल तरफ जा रहे हैं जिधर कैदियों लोग को बंद किया जाता था और रखा जाता था। तो जैसा कि देख सकते हैं बहुत बड़ा जेल था। तो जैसा कि हम लोग इन करते हैं तो एक पहला जेल का काउंटर जैसे देखने के साथ मिला, बट अब ये बंद हो चुका था इसलिए बंद था, शायद यहाँ पर कैदी लोग को रखा जाता था। तो ये दूसरा था, लॉकअप था। और उसके बाद फिर हम लोग तीसरा में देखिए एक बंदा वहाँ पर फ़ोटो खिंचा रहा था तो जेल से रिहा हो चुका था तुरंत। ये चौथा काउंटर,
और ये पांचवा, तो यहाँ पे था जो बाथरूम टाइप का यूज करने के लिए, कपड़ा पर नहाने वहाने के लिए होगा समथिंग, हमको भी आइडिया नहीं है। तो यही था दोस्तों, बहुत कुछ यहाँ पे हमको पता चला जेल में, क्योंकि जेल तो ऐसे कोई आम आदमी जा नहीं पाता है, कैदियों लोग के लिए ही होता है। तो हम लोग यहाँ से फाइनली पूरा अच्छे से घूमे और उसके बाद हम जा रहे थे दूसरे साइड। उसके बाद चलिए आप लोग को दिखाते हैं दूसरे साइड क्या क्या चीज़ अवेलेबल था। तो यहाँ का फूल वूल बोलते हैं ना, पार्क को, जेल को पूरा डेवलप कर दिया पार्क में, तो बहुत अच्छा लग रहा था, खूबसूरत लग रहा था। और जब मैं स्टार्टिंग में आया करता था तो मैं सुनता था कि जेल मोड़, या तो फिर क्या बोलते हैं इसे ही कुछ, जेल रोड इसी तरह का मैं सुनता था। हमको तो हमको आइडिया नहीं था कि रांची में भी हम लोग का बहुत बड़ा का जेल है। तो हमको अब पता चला, तो वही जेल अब क्या बोलते हैं, जेल बंद हो गया, वो जेल को अपडेट कर दिया गया। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे चीज़ थे, मूर्ति थे। तो जैसा कि देख सकते हैं आप लोग को बारी बारी आप लोग को सारा नाम मिलेगा देखने के लिए। तो चलिए वीडियो का थोड़ा फास्ट करते हैं और फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आगे आप लोग पढ़ते जाइएगा धीरे धीरे नाम, और आप लोग को सारा स्टैचू को मैं अच्छे से दिखाते चलूँगा। तो चलिए गाइस अब आगे चलते हैं। नीलांबर पीतांबर, इसका नाम तो सुने होंगे, बहुत फेमस थे शायद। सिद्धू कानू के नाम से एक पार्क भी है दोस्तों, जो उधर पड़ता है रातू रोड साइड वाला, पड़ता है रूप में, तो उधर है सिद्धू कानू का नाम से एक पार्क भी। तो कुछ इधर साइकिल वगैरह है, फिर आगे चलिए आगे दिखलाते हैं और आप लोग को आगे क्या है। यहाँ देखिए छोटा छोटा डीजे लगा हुआ, रात में सारा आत्मा लोग आता होगा तो डांस करता होगा, इसी के लिए लगाया गया। देखिए छोटे छोटे डीजे यहाँ पे, लेकिन देखिए इन लोग भी नाश्ता उस्ता होगा, इसलिए छोटा मोटा डीजे भी लगा दिया। इंटरटेनमेंट आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। देखिए फिलहाल तो बता रहा है कि हमको जेल से निकालो, रिहा करो रिहा करो, लेकिन इसको पता ही नहीं है कि जेलें बंद हो गया, तो इसको बताना होगा। देखिए सब मीटिंग कर रहा है कि जेल से कैसे भागना है, अपना परवरिश, जेल से निकलेंगे तो अच्छा बनाएंगे। इन लोग अपने में डिसाइड कर रहा होगा माइंड, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं। मत कीजिएगा, मजाक कर रहा हूँ आपके इंटरटेनमेंट के लिए। और यहाँ पे कौन कौन है आप लोग, तो आप लोग जानते होंगे तो कमेंट कीजिएगा। और इधर भी बहुत सारी चीज़ है जो चित्र टाइप का बनाया हुआ है, शायद ये लड़ाई उड़ाई का अंग्रेज का, और ये आदिवासी जो है उन लोग जो आपस में लड़ रहे हैं, देखिए आदिवासी गिरा हुआ है और अंग्रेज लोग खड़ा हुआ। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं चीज़ दर्शाया गया है, वो चीज़ आप लोग को देखना चाहिए। अंग्रेज का घोड़ा जो वो अंग्रेज का पूरा खानदानी जैसा दिख रहा है। यहाँ भी कुछ ऐतिहासिक चीज़ है, पता नहीं चल रहा है यहाँ भी, इसका काबिल बहुत भयानक लग रहा है। देखिए अभी चलिए आगे और चलते हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा है स्टैचू बनाया गया स्पेशल पूरा आदिवासी का, कितना अच्छा कुछ है। तो गाइस यहाँ कुछ इस टाइप का बना हुआ कलाकृति चीज़ बहुत अच्छा बना हुआ, ये घोड़े में बैठा हुआ है, कौन है आप लोग जानते हैं, मुझे कौन नहीं बताइए। तो अभी इधर लगभग खत्म होता है, फिर से हम लोग रिटर्न जाएंगे, तो रिटर्न वहाँ पे भी लॉकअप वगैरह है। और यहाँ भी एक स्टैचू है, तो तीन स्टैचू यहाँ छूटा हुआ, उधर से ये लोग देखे थे। तो एक ये स्टैचू आप देखिए इनका नाम, इसका साइड डेट ऑफ बर्थ होगा और जो डेट ऑफ बर्थ होगा, और फिर यहाँ पे ये है पहले का नाम है, बहुत अजीब लग रहा है भाई। देखिए तो गाइस लगभग अभी हम सारा पार्क घूम रहे हैं, सारा स्टैचू का आप लोग को व्यू दिखा रहे हैं, और इन लोग का नाम तो ब्रिटिश ज़माना का है ही, और नामे में भी दिखता है ब्रिटिश ज़माना। और अंग्रेज लोग का कुछ ऐतिहासिक आप लोग को दिखाएं, जो बना हुआ था चित्रकार में, चित्र में बना हुआ था ऐतिहासिक, जो हाथों से यार बोल सकते हैं बहुत अच्छी चीज़ से बना हुआ था, तो बहुत अच्छी चीज़ है देखने में। और इसको देखते हैं, देखते हैं आप लोग पहचानते हैं दोस्तों, इनका नाम देख लीजिए, भागीरथी भागीरथी मान जी 1871। तो इनके नाम पे एक क्या बोल सकते हैं हॉस्टल भी है, जो ओनली फॉर एसटी के लिए, मतलब आदिवासी के लिए, गर्ल्स के लिए है। और यहाँ पे भी एक है स्टैचू, चलिए अभी लगभग सबका भी हो चुका है दोस्तों, चलिए आप लोग और आगे दिखाते हैं, लोकेशन बना हुआ है, चलिए उधर चलते हैं फटाक से। तो गाइस अभी आप लोग को जो लॉकअप दिखाए थे वो पर्सनल लॉकअप था, जो हरामी और जो बोल सकते हैं हरामी गुंडा था उन लोग के लिए लॉकअप था। अब जो दिखाने वाले हैं वो सार्वजनिक लॉकअप दिखाने वाले, पता नहीं है कि नहीं, लेकिन दिखने से लग रहा है। चलिए आगे आगे चलते हैं, पता नहीं आप लोग पूरा दिखाई हो रहा है। तो दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 4:30 बज गया है, तो पूरा टूर नहीं कर पाए। रीज़न ये है कि 4:30 बजे पार्क ऑफ होता है,
तब हम लोग को अंदर और जाने नहीं दे देने जा रहा है, अंदर जाने के लिए नहीं दे रहा है। तो हम लोग इधर से ही जितना वीडियो शूट हुआ इधर से चलिए और आप लोग को जाते जाते कुछ कुछ वीडियो दिखाते चलेंगे। तो चलिए यहाँ पर और भी क्या करते हैं, तो आप लोग को बड़ा तबिरता मुंडा का मूर्ति आपको पहले दिखाएंगे। तो चलिए फटाफट से वहाँ चलते हैं। लैंड ऑफ झारखंड, झारखंड की भूमि, तो एक छोटा सा झारखंड का भूमि दर्शाया गया है। गाइस बहुत दिक्कत का बात है, अभी जेल बंद हो गया लेकिन हम लोग के लिए छोटा सा खुला हुआ काउंटर, हम लोग रिहा हो रहे हैं, रिहा हो गए फाइनल। चल रहे हैं यहाँ से क्योंकि ऑफ हो गया है टाइम। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो होगा तो एक लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड लव यू फ्रेंड्स। मैं आपसे डीजे रमन, टाटा।